शिमला नगर निगम वार्डों के डिलिमिटेशन को लेकर चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचना जारी होने के बाद जिला प्रशासन भी तैयारियों में जुट गया है। वीरवार को शिमला उपायुक्त आदित्य नेगी ने शिमला में वार्ड की डिलिमिटेशन को लेकर एसडीएम शिमला शहरी व शिमला ग्रामीण के साथ बैठक का आयोजन किया और 8 फरवरी तक पूरी तैयारी करने के निर्देश जारी किए हैं। दस फरवरी से ये प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी और 9 मार्च तक जो है हमें सारी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। तो इसमें जो है 10 तारीख को हम लोग जो है ड्राफ्ट जो डिलिमिटेशन हम वार्ड्स का करेंगे वो डिलिमिटेशन करके 10 तारीख को हम एक ड्राफ्ट प्रपोजल जो है वो पब्लिश करेंगे। वो हम अपने ऑफिस में भी लगाएंगे, एमसी ऑफिस में भी लगाएंगे और उस पर जो है लोगों के आपत्ति और सुझाव उस पर लेंगे। तो 17 तारीख तक जो है लोग अपने उस पर जो है क्लेम्स ऑब्जेक्शन वगैरह दे सकते हैं। 17 तारीख तक जो है मैं उनके क्लेम्स ऑब्जेक्शन लूँगा और उसको डिसाइड करूँगा बेसिकली। और उसके बाद जो है अगर उसमें से कोई जो लोग हैं वो सेटिस्फाइड नहीं हैं तो वो जो है डिविजनल कमिश्नर साहब के पास उसकी अपील दाखिल कर सकते हैं और जो माननीय डिविजनल कमिश्नर साहब हैं वो उनकी अपील पे अपना फैसला जो है विदिन 7 डेज वो देंगे। और उसके बाद जो है फाइनली जब सारे जो क्लेम्स ऑब्जेक्शन अपील वगैरह फाइल हो जाएंगे, जो स्टैट्यूटरी पीरियड है वो पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद जो है वो 9 तारीख को हम लोग फाइनली जो डिलिमिटेशन वार्ड्स की जो करेंगे वो फाइनली फिर 9 तारीख को हम लोग 9 मार्च को पब्लिश करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें ये कि जो जैसे वार्ड्स की जो है रिजर्वेशन एक रोस्टर बनाना होता है कि कौन सा वार्ड जो है किस के लिए आरक्षित होगा या खुला ओपन रहेगा, वो सारी प्रक्रिया जो है जो है 9 के बाद की जाएगी और 11 तक जो है हम उसको फाइनल कर लेंगे। तो 10 फरवरी से लेकर 11 मार्च के बीच में हमने डिलिमिटेशन और जो वार्ड्स का जो रोस्टर है वो सारा जो है हमने प्रक्रिया पूरी कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।